नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आरके जोगिया ब्लॉग्स में स्वागत है। मैं रोशन कुमार, आज मैं आप लोगों को लेकर आ गया हूँ शिवद्वार धाम सोनभद्र दोस्तों, जो कि घोरावल से 10 किलोमीटर अंदर दोस्तों शिवद्वार धाम है। यहाँ पे हर साल मेला लगता है सावन के दिनों में दोस्तों, जो कि आज सोमवार है दोस्तों, सावन का दूसरा सोमवार दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं सामने, जो कि कांवड़ियों का आना जाना लगा हुआ है दोस्तों। यह धाम पे बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे जल को चढ़ाने आते हैं। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से रोड के चारों तरफ मेला लगा हुआ है और सारी दुकानें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सभी प्रकार के खिलौने और खाने पीने की सामानें सभी मिल रही है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहें, आप लोगों को मैं शिवद्वार धाम का पूरा नज़ारा दिखाने वाला हूँ दोस्तों, जो कि इस मंदिर के अंदर दोस्तों शंकर और पार्वती जी की काली मूर्ति है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगती है दोस्तों। मैं उनका भी दर्शन आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कराऊंगा, इस वीडियो में बने रहें। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा दें, ताकि नई से नई वीडियो का अपडेट आपके पास पहुंचे और आप वीडियो देख सकें दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं, जब आप शिवद्वार धाम घोरावल से 10 किलोमीटर चलकर अंदर आएंगे तो कुछ इस तरह से नज़ारे दिखेंगे दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग के सामने यह मंदिर के अंदर मैं जा रहा हूं, आप लोगों को श्री शंकर भगवान और पार्वती जी का भी दर्शन कराऊंगा। आप लोग देख सकते हैं यहां से सभी श्रद्धालु जल चढ़ाकर जा रहे हैं वापस, हमें आने में लेट हो गया है और सुबह का टाइम बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगता है दोस्तों। अब जल चढ़ाकर लोग वापस जा रहे हैं। तो इस वीडियो में बने रहें, मैं आप लोगों को इस मंदिर का चारों तरफ का नज़ारा दिखाने वाला हूँ। तो आइए आप लोगों को लेकर चलते हैं मंदिर के अंदर। आप लोग देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे व बड़े सभी बुजुर्ग, आप लोग देख सकते हैं सामने जो कि दर्शन करने जा रहे हैं। यहीं सामने वाला गेट जो घंटा दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसी के अंदर दोस्तों श्री शंकर भगवान और पार्वती जी की मूर्ति है दोस्तों, यहीं पर सभी श्रद्धालु जल चढ़ाते हैं। आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पे घेराबंदी की गई है, वो बांस लगाया गया है दोस्तों, जो कि लाइन से लाइन लगाकर सभी लोग बारी बारी से दर्शन कर सकें। और इस धाम के अंदर दोस्तों शासन प्रशासन सभी सुविधा लगी हुई है, जो कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी ना हो। शिवद्वार धाम दोस्तों गुप्त काशी के नाम से भी इसको जाना जाता है। आप लोग देख सकते हैं जो कि सामने यह मूर्ति दिखाई दे रही है दोस्तों, यह दुर्गा माँ की मूर्ति है दोस्तों इस धाम के अंदर। और यह आप लोग देख सकते हैं लाइन से लाइन लगाकर लोग श्रद्धालु खड़ा हुए हैं और जा रहे हैं जल को चढ़ाने और प्रसाद को चढ़ाने दोस्तों। इस धाम के अंदर आप लोग देख सकते हैं फैन भी लगाया गया है, जो कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी न हो। तो आइए आप लोगों को ले चलते हैं इस धाम के अंदर दोस्तों। जो कि सामने आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को ले चल रहे हैं दर्शन करने के लिए, आप लोग इस वीडियो में बने रहें। आइए आप लोगों को ले चलते हैं पार्वती और शंकर भगवान का दर्शन कराते हैं, इस वीडियो में बने रहें। गर्भगृह में आप लोगों को लेकर चलते हैं। दोस्तों यह देख सकते हैं सामने जो काला कलर का दिखाई दे रहा है, शंकर भगवान और पार्वती जी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों यह धाम बहुत ही प्राचीन और फेमस है, तो यहाँ पे बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं सामने, तो देखिए आज इनका जो रूप है अलग है। चलिए चलिए आप लोगों को मैं बाहर का नज़ारा दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में आगे दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो कि लाइन
लाइन लगाकर सभी लोग जा रहे हैं। महिलाओं का लाइन और पुरुषों का लाइन अलग अलग है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, जो कि सभी लोग हाथ में प्रसाद लेकर चढ़ाने जा रहे हैं। दोस्तों इस चैनल पर बने रहे, आने वाले तीसरे सोमवार का मैं वीडियो दिखाऊंगा दोस्तों, जो कि बहुत ही तीसरे सोमवार और चौथे सोमवार को दोस्तों बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे भीड़ लगा रहेगा और लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे शासन प्रशासन बैठी हुई, जो कि किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पे दिक्कत परेशानी ना हो। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा दें, ताकि नई से नई वीडियो का अपडेट आपके पास पहुंचे और आप वीडियो देख सकें। दोस्तों हम मिलते हैं आने वाली नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कहाँ गए छोटू?